कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। कैसे सोया सोया वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम लाउड जल्दी से पता चले बच्चे बैठे दो सेकंड अस्सलाम वालेकुम वेरी गुड वेरी गुड। अब अच्छी बात हुई ना आप सबकी आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? एक वायरस है नजला जुकाम होगा उसमें और वो जानलेवा है खतरनाक हो। ठीक है अब हम बता रहे हैं कि उससे कैसे बचा जाए हमें क्या करना है कि हम उससे बच जाए। ठीक है। अच्छा जनाब अभी कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ मगर हमने क्या करना है? अच्छा, हमने वो बातें करनी है जिसकी मदद से हम उससे बच सकते। कोरोना वायरस की अलामत क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोरोना वायरस है? तेज बुखार, नजला या जुकाम, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, सांस ना ली जा रही, सांस लेने में दुश्वारी हो रही, मुश्किल हो रही, हमें सांस नहीं आ रही, ये होती है सांस लेने में दुश्वारी। जब ऐसे लगता है ना तो सांस ले ली जा रही। ठीक है। अब जब हमें ये चीजें महसूस हो तो हमें फौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। हमें फौरन अपने करीबी डॉक्टर या हॉस्पिटल जाना चाहिए। अच्छा अब उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? हमें खुद से क्या एहतियात करनी है? हमें ऐसी क्या चीज करनी है जिससे हम उससे बच सकें? हमें इस्तेमाल के बाद टिश्यू को मुनासिब तरीके से जाया करना। अगर हमें छींक आती है खांसी होती है और अगर हमारे पास टिश्यू है तो हम टिश्यू को से नोज साफ करके नोजी साफ करके उस टिश्यू को डस्टबिन में डाल दें। और अगर हमारे पास टिश्यू नहीं है हम क्या करेंगे? अपनी कोहनी में अपनी आस्तीन से अपनी एल्बो में साफ करेंगे। ठीक है ना। अब आप बताइए देखिए इधर देखिए अब मुझे खांसी आ रही है। अब मैं ऐसे नहीं खांसूंगी किसी के मुंह पे। मैं क्या करूंगी? ऐसे करके खांसूंगी। और अगर मुझे छींक आ गई मैंने सारे अपने जरासीम आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए। नहीं ऐसे नहीं करूंगी मैं क्या करूंगी? मैं फौरन अपने एल्बो अपनी कोनी को अपने सामने ले आऊंगी। मैं अपनी कोनी के अंदर अपनी आस्तीन के अंदर छीपूंगी ताकि जितने भी जरासीम है वो आप लोगों के पास ना जाए वो मेरे पास ही रहे और फिर मैं अपने हाथ को धो दूंगी। आपको पता है हाथ बार बार धोने हैं। अभी हमें और क्या करना है? मुंह और नाक को टिश्यू और रुमाल से ढकने और मास्क का इस्तेमाल करें। और अगर आपको मास्क मिल जाए ऐसा वाला फिर तो बहुत ही जबरदस्त है। जैसे देखिए इन्होंने भी मास्क पहना हुआ है उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है। अगर आपको मास्क मिल जाए इन्होंने भी मास्क पहना हुआ है। आपने मास्क क्यों पहना हुआ? ये छींक से बचने के लिए। जोर से बताइए छींक से बचने के लिए। वेरी गुड। देखा आपने इन्होंने छींक से बचने के लिए कि जो छींकने के बाद जो जरासीम निकलेंगे वो किसी दूसरे को ना लग जाए। अगर किसी दूसरे को हमारे जरासीम लग जाएंगे गंदे छींची तो वो बीमार हो जाएगा ना। और आपको पता है और जब हम अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं तो हाथों में जर्म्स लग जाते हैं। सारे जर्म्स कहाँ होते हैं? हमारे हाथों में लग जाते हैं और फिर उन हाथों से हम अपने मुंह पे हाथ लगा रहे हैं इधर हाथ लगा रहे हैं इनसे इनको हाथ लगा दिया मैंने इनको भी जर्म्स लग गए इनको हाथ लगा दिया इनको भी जर्म्स लग गए। इसलिए हाथों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए छींकते वक्त। और हमें क्या करना चाहिए? गोश्त और अंडों को अच्छी तरह पका कर इस्तेमाल करें। अगर आप गोश्त ये मदर्स के लिए खसूस ठीक है आपने गोश्त और अंडों को अच्छी तरह पकाना है ताकि कच्चा ना इस्तेमाल हो और कच्चे जो होंगे उसमें जरासीम होंगे। अपने हाथों को बाकायदगी से साबुन और पानी से साफ करें। अपने हाथों को किससे धोना है? हमने
साबुन से किससे धोना है? साबुन से। साबुन से धोने के बाद किससे धोना है? साबुन और पानी से धोना है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और आप बताइए, खाली साबुन से धोए या फिर पानी भी इस्तेमाल करना है आपको? पानी इस्तेमाल करते हैं ना, या फिर खाली पानी से धोए तो सही होगा? क्या करना चाहिए? साबुन और पानी से धोना। वेरी गुड, साबुन और पानी दोनों से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर। अब हमारे पास क्या है, इसका क्या करना है? गले को खुश्क ना रखें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ छोटी सी पानी की बॉटल रखें, उसको इस्तेमाल करें। बड़े 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी पिए, छोटे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी पिए। हमें नीम गर्म पानी पीना है, हमें गर्म पानी पीना है, मतलब इतना गर्म नहीं कि हमारा मुंह चल जाए, नीम गर्म, हल्का सा वॉइट वॉटर। ठीक है, ठंडा पानी नहीं पीना है। मार्च तक ऐसे ही गर्म पानी पीते रहे। तो हुजूम जगहों पर जाने से परहेज करें, ऐसी जगहों पे मत जाएं जहां पे ज्यादा लोग हो। सफर करते वक्त, घर से बाहर जाते वक्त और मार्केट वगैरह जाते वक्त मास्क जरूर पहने। ठीक है, मसालेदार और फ्राई फूड से गुरेज करें। बाहर से आते वक्त फौरन हाथ धोएं, हाथों को आते जाते बार बार धोते। हम ये चीजें करेंगे तो हम किससे दूर रहेंगे? बीमारियों से दूर रहेंगे, जरासीम से दूर रहेंगे, कोरोना वायरस से दूर रहेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? मैम, वुड यू लाइक टू शेयर? मुझे तो ये बताएं शैला आंटी कि आप अभी मुझे खांसना है तो मेरे पास तो टिश्यू नहीं है, आई डोंट हैव, मैं क्या करूँ? आपके पास अपने आप में, आपने तो बताया, मुझे कोई और भी तो बताए ना मुझे क्या करना है, कोई बता सकता है? अगर मेरे पास टिश्यू नहीं है तो मुझे क्या है? मुझे खांसना है, मुझे खांसी आ रही है, मैं कैसे खांसूंगी? कोई बता सकता है कैसे? वेरी गुड। और अगर मुझे छींकना है तो मुझे कैसे छींकना होगा, बता सकते हो कैसे छींकना है? मेरे पास टिश्यू नहीं है, आपके पास भी टिश्यू नहीं है, कैसे छींकना है? कौन बताएगा? अगर छींक आए और खांसी आए तो हम क्या करते हैं? कैसे करना है अगर टिश्यू नहीं है तो? कश्यप को पता है, कश्यप क्या करना है हमें? खांसी कैसे आएगी? अपनी एल्बो में छींकना या खांसना है। अच्छा, हम हाथ धोने की बात कर रहे हैं, अभी शैला आंटी बार बार कह रही हैं हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, बाहर से आए तो हाथ धोना चाहिए, वॉशरूम से आए तो हाथ धोना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। हाथ धोते कैसे हैं? सही सही तरीका आता है हाथ धोने का? किसको पता है हाथ धोने का तरीका? हम हाथ को सबसे पहले, जी बताइए, बता रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम पहले सबसे पहले हाथों को गीला करते हैं, नलका खोल के थोड़ा पानी लेके हाथ गीला करेंगे और फिर हम हैंड वॉश या सोप जो भी हमारे पास है उसे लेके अच्छी तरह हाथ पे लगाएंगे और बहुत सारे झाग बनाएंगे। फिर हमें सिर्फ ये नहीं धोने होते, अपने हाथ अंदर से नहीं धोने होते, पाम्स नहीं धोनी होती, सिर्फ हथेलियां नहीं धोनी, बल्कि बैक साइड भी हाथों की धोनी, हमें अपने नाखून भी कट रखने और अपने नाखूनों की साइड भी धोनी। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे साबुन लगाएंगे, फिर हम ऐसे साबुन लगाते हैं दोनों हाथों पर, ठीक है, और फिर हम यूं करके भी अच्छी तरह अपनी ये जो फिंगर्स हैं इनके बीच में ऐसे साबुन लगाते हैं ऐसे, और फिर हम दोबारा इनको अच्छी तरह पानी से धोते हैं। जब हम पानी से धो रहे होंगे फिर भी हम ऐसे करेंगे ताकि यहाँ इनके बीच में सर्फ या साबुन या जो भी आपने झाग बनाए हैं वो ना रह जाए और हाथ पूरी तरह क्लीन हो जाए। ठीक है, तो हाथ धोने का सही तरीका भी आना बहुत जरूरी है। कल आप शैला आंटी इनको सबको हाथ धोना तो सिखाएं। ठीक है, ओके, ठीक है, सही, हाथ धोना सीखें, सीखना है किसी को हाथ धोना सही से? किसको सीखना है? ठीक है, कल कल हाथ धोना सीखें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।